हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग सभी? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करता हूं अपना चैनल सुनील नगांती लाइव ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग करीब 10 बजे से शुरू करें और कुछ वीडियो ब्लॉग खास होने वाला है, जो आप लोग चाह रहे थे वो सब वीडियो में इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। पहले वाला ब्लॉग में देखे थे कैसे मसाला बना के इसको फूलने के लिए छोड़ दिया था, ऐसे क्या क्या काम करेंगे वो भी दिखेगा आपको। बच्चे तो चले गए स्कूल, अब मैं ताला लॉक करके अभी जा रहा हूँ ना, फ्रिज सही करने वाले आए हैं तो अभी ढूंढ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किधर हैं। कितने आदमी नहीं होता है गलत सलत रास्ता बता देते हैं, तो मैं अभी उनको ढूंढ के लाऊँ साइकिल से, क्योंकि देखते हम लोग कहाँ पर बसे हैं तो थोड़ा वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो चलिए, नहीं तो फिर इधर उधर चले जाएँगे। अभी इधर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सूनापन महसूस हो रहा है, लेकिन तकलीफ और कारण के वजह से आदमी दूर हुआ है। देखते हैं कब तक एक साथ होते हैं, जो आप लोग को ब्लॉग में बहुत अच्छा लगने वाला है। आप लोग आशीर्वाद बनाए रहिएगा हम लोग के ऊपर। तो चलिए अभी चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। देख सकते भैया लोग आए थे एकदम टाइम से, और फ्रिज में देखे जो भी थोड़ा कमी है ना वो देख लिए और जा रहे हैं सामान लेके आएंगे। देखते हैं कल आएँगे कि आज ही आएंगे, कोशिश करेंगे, बहुत टाइम से आए थे। चलिए अभी इसको कोशिश रहने देते हैं। बाकी कह रहे हैं कि कितने प्यार से आपने रखा है, एकदम न्यू का न्यू लग रहा है, तो ऐसे ही रखना चाहिए। गिफ्ट में मिला था, आप लोगों को तो पता ही है, तो कभी भी गिफ्ट का सामान अच्छे से रखना चाहिए। तो देख सकते हैं मसालों को ढाक दिया, इतना तेज़ धूप उगा है कि हिम्मत नहीं हो रहा कि यहाँ काम किया जाए, लेकिन फिर भी कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, माइंड को भटकाने वाले कम नहीं भरे हैं। अगर ऐसी हमारा देश की सिपाही और बॉर्डर पे बैठे हुए फौजी गर्मी से और ठंडी से घबरा जाएं तो कितने राक्षस घुस जाएंगे हमारे हिंदुस्तान में। और फिर भी वो हिम्मत कस के रहते हैं, क्योंकि मैं भी एक बार, आपको पता नहीं है कि मैं भी CRPF कैंप में 5 साल काम कर चुका हूं, और बहुत ईमानदारी के साथ, और वहीं से मेरा सारा ID प्रूफ बना है जो आपको आज बता दूं। और वहां आज भी रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने क्या क्या किया था, किस तरीके से सुनील चौहान काम किए थे। बस शरीर के वजह से ये सब चलते रहा, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि कितना भी आदमी को कष्ट हो लेकिन अपना काम, अपना धर्म के राह पर चलते रहना चाहिए। तो चलिए, उससे पहले इस काम को करने के लिए क्या क्या काम इस्तेमाल होता है इसमें दिखेगा। उससे पहले मेरे को एक जॉब मिला है, जो बिल्डिंगें नहीं गिर जाती 18-22 मंजिल की, तो उसकी जो सरिया कटिंग होता है उसकी काम मिला है। ऐसे ही अपने जीवन में इतनी सरिया काटा हूँ, इसकी मिथुन जीतन सब गवाह है, आप जान सकते हैं, बता भी देंगे अगर कॉन्टेक्ट नंबर हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं। जीवन में इतनी सरिया काटा है कि मैं गिनती भी भूल गया हूँ कितनी काटा है। और उसी को चीज़ को काटने के लिए, वो भी जोर से, जो नीचे नहीं होता है शर्ट के, जैसे प्लास्टर हो जाता है तो जो सरिया निकला रहता है जिससे कलम 18 मील तक बना होता है, ये हकीकत, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, उसको जोर से भाड़ा पे चढ़ चढ़ के इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल फोरमैन होते हुए फिर भी इतना मेहनत किया जाए शरीर से कम है, क्योंकि अपने भविष्य के उज्ज्वल के लिए मेहनत आदमी करता है। चलिए, इतना फिर बात करूँगा। बहुत खुशी की बात, आप लोग को भी जान के खुशी मिलेगा कि जो बिल्डिंगें गिर जाती है 18-22 मंजिल की कोई वजह से, तो उसकी जो सरिया कटिंग होती है कि वो ज़मीन को खाली किया जाए और फिर दोबारा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, उस सरिया को काटने के लिए ठेकेदार का कॉल आया था कि भैया आप करना चाहते हो तो कुछ आइए, और खाने वाने का व्यवस्था सब व्यवस्था मिलेगा, बस कहीं भी अपना नहीं होते रहता है तो वहाँ पे आपको काम करने जाना है उसी हिसाब से। तो चलिए, पहले उसके पहले अपने घरों का जो काम है उसको कर लेते हैं, और फिर नगांती जी को कॉल करके बुलाते हैं, और उसके बाद पैर सही हो या ना हो मैं पैसा का व्यवस्था करके अपने नाम पे कर्ज कहीं से ले होके निकलते हैं। आप जब यही चाहते हैं तो यही सही। खैर चलिए, पहले अभी जो हमारा मशीन है उसको सही कर लेते हैं, मसाला बना दिए, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा नहीं तो ख़राब हो जाएगा, उस हिसाब से काम करते हैं। मैं तो चाह रहा था आप लोग के हेल्प से यहाँ एक मैकेनिक रूम खोला जाए, वाइंडिंग सब सीख लूँ, लेकिन आप लोग ये नहीं चाहते तो आप लोग का इच्छा पूरा करना ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले ड्रिल प्लस ग्राइंडर मशीन ड्रिल में ही फिट करते हैं, किस तरीके से वो आपको देखने को मिलेगा, जानिए और बने रहिए वीडियो के साथ। इसमें रखा है सारा सामान, निकालते हैं इसको, देख सकते हैं धीरे धीरे सारा सामान खरीद लिया था कि एक दिन मिस्त्री भी बन जाऊंगा, तो यहीं पे देहात में अपने बच्चों के साथ रह के अपना
रहूंगा, लेकिन आप चाहते हैं कि नागांती जी अकेले रहे इस सपनों के घर में तो अकेले ही सही, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इस सामान को रख देंगे और इसको बना के ये सब मैं साथ में ही लेके जाऊंगा, जहां जब जब रोज काट फाट के पड़े तो हम बोलेंगे मशीन भी है हमारे पास। ये सबसे पहले इसको खोलते हैं, टपारिया का नया पिलास खरीद के लाया था, धीरे धीरे सब व्यवस्था औजार औजार जो भी था मैं करते रहता था, बस ये पैर के वजह से सब चीज़ खरीद लिया था कि अपना धीरे धीरे सब हो जाएगा यूट्यूब फैमिली के वजह से, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इनके वजह से हमारा भविष्य उज्ज्वल हो पाएगा, पागल हो जाएंगे और दोनों आदमी अलग से, हमारे बच्चे पता चले गए कि अनाथ हो गए जैसे मैं एक अनाथ हूँ। तो अभी देख सकते हैं फाइनली मशीन खुल गया, चलिए इसको टेस्ट लैंप से चेक करते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो अभी देख सकते जो मसाला बनाए थे अभी जाके मुँह सब थोड़ा नॉर्मल हुआ है, इसको काम करना शुरू कर दिए, खाना वाना बच्चे खा के खेल रहे हैं, फिर शाम को कुछ बनाएंगे भी दिखेगा रेसिपी तौर पर, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। इस तरीके से इसको बना रहे हैं कि जानेंगे आप बहुत जल्द तो क्या बना रहे हैं। फिलहाल अभी इसको जो काम है जोड़ाई करने का, चुनाई कह सकते हैं जोड़ाई कह सकते हैं, तो ये वाला काम करना शुरू करते हैं। चलिए सूखा बांध दिया हूँ, अब चलो इसको चलो थोड़ा सा पानी मार लेते हैं। तो देख सकते हैं मसाला धूप फूल के कितना अच्छी हो गया है, आज धूप कितना तेज है ना, थोड़ा सा पानी मारेंगे तब इसको खींचेगा, बाकी ये टीम है इसको गोला मारने की जरूरत नहीं है, खींच रहा था ना तो उसको चुनाई जोड़ने के लिए जरूरत पड़ता है। तो चलिए अभी मसाला ये वाला तसला लेकर आते हैं, फाइनली एक रहता चला दिया इस पर ना, इस तरीके से बना है तो जुड़ाई तो कभी भी सीधा होता है अपना साउथ सिस्टम में, तो पहला रहता मैंने साउथ सिस्टम कर दिया, अभी चले इसको भी जोड़ के यहाँ से हमारा जो भी आने वाला वक्त है जब भी हो भगवान जी का आशीर्वाद से और हमारे मेहनत से, तो वो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जो खुशियाँ आप लोग चाहते हैं वो ज़रूर होगा दोस्तों, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो। सुनील कभी भी बेसोर नहीं, अभी भी मेरा यूट्यूब फैमिली का आशीर्वाद से हाथ अब बहुत जल्द पैर भी सही होने वाला है, आप मेरा विश्वास करें, होते ही देख लीजिए अभी करनी उठ चुका है, करनी उठने का मतलब 600 रुपया महीना में रोज का कहीं नहीं गया है, बस खाली भगवान जी से प्रार्थना है कि हमें स्वस्थ रखें खुश रखें, जैसे मैं रोज ऑल यूट्यूब फैमिली के लिए अपना स्वस्थ ही आशीर्वाद मांगता हूँ, क्योंकि आदमी स्वस्थ रहेगा तो आदमी खुद ही नहीं बैठेगा और बैठने से आदमी ऐसे ही बोर हो जाता है, तो इस बात को आप थोड़ा मानिए और इस बालक पर अपना आशीर्वाद बनाइए। सुनील भैया स्वस्थ होकर अपना जो भी काम करें, इस ब्लॉग में जो बताए थे उस पर बताइएगा आप लोग, हमारे धर्म पत्नी जी आती हैं नागांती देवी तो उनसे भी राय लेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि इस काम के लिए बता रहे हैं, और मान लेते हैं कंपनी में काम नहीं मिला तो ठेकेदार में बहुत काम मिलता है, और भगवान जी की कृपा से दुष्कर्म भगवान जी की कृपा से अगर इस काम में सक्सेस रहा तो बहुत मेहरबानी होगी कि अपने बच्चों के साथ ही अपने फैमिली के साथ ही रोज सुबह अपना गए, अपना 600 रुपया बहुत होता है दोस्तों, 18,000 की महीना हुआ, तो बस इतना हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है। देखिए आपसे छुपाता कुछ भी नहीं हूँ, मैं इधर ये वाला काम कर रहा हूँ, हमारा सोनू और विजय विकास क्या कर रहे हैं वो दिखाते हैं, जाओ दिखाओ भैया। दोस्तों ये देखिए मेरा भैया झाड़ू मार रहा है और पापा उधर ईट मसाला से जोड़ रहे हैं। अभी ना घर की जो एक रहता चलाना है आप लोग बताइएगा, मैं मसाले के हिसाब से सोच रहा है, इसके हिसाब से एक रहता रहेगा ना, तो अगर हमारे आने वाला टाइम में अगर नाता भी है तो ये हो जाएगा ब्रेक कर, जैसे उधर से चढ़ाएंगे ऑटो रिक्शा तो यहाँ पे इतनी ही इतना है और इतना ज़्यादा जोड़ भी दिया, तो इतना से क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा फिर गड्ढा सा है समझ सकते, तो इसके हिसाब से मैं एक रहता इसको चला दे रहा हूँ, उधर तो पूरा ऊपर तक जोड़ना है, उसके बाद यहाँ आप बताइएगा कि इसको भी वहाँ तक जोड़ दें कि उसको उधर से ही जोड़ें, और उधर से भी अगर पूरा इंच से जोड़ने के लिए बोले थे फिर भी आप लोग बताइएगा तो उसका और भी वो भी व्यवस्था है,
और भी चीज़ से घेर देंगे, मेरे हिसाब से गुलाई कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए अभी इसको करने के बाद ना इस पर जो भी ऊँचा है हमारा जो मिट्टी में धंसा जा रहा है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि बारिश आएगा नहीं, और आएगा भी तो संगीत क्योंकि देख सकते अभी पंपिंग चल रहा है। और आज देखते हैं नमी है कि नहीं खेतों में, उसके हिसाब से ना अपने खेतों में भी एक डेढ़ घंटा चलवा लेंगे। बहुत मेहनत से रोपे हैं दोस्तों, वही आप जानते हैं कि हमारा अभी डेट में जो धन है वो है, तो अनाज होगा तो इतना अच्छा डेहरी भरेगा हमारा, और एक एक दाने के लिए अभी तरसेगा नहीं। तो क्योंकि बारिश की वजह से ये परेशानी है, क्योंकि धान बगैर बारिश से, बारिश के बगैर होता नहीं है आप तो जानते ही हैं, फिर भी ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ तो हाथ तो कोई नहीं गया उनके हिसाब से, और कृषि चलता है और उन्हीं के हाथ में बारिश लाना जो भी है, देखते हैं क्या होता है, वो सब आपको दिखेगा। काम हो रहा है, जो भी टुकड़ा उसका बचा है जो उसने नहीं लाए थे, वो बारिश आ रहा था तो बाथरूम के सीढ़ी के लिए आदमी बचे हमारे पैर जो तो ठीक नहीं था, पिछला गौर न गिर जाए और परेशान हो जाए, एक बार लगा दीजिए गिर भी गई थी, तो बहुत समस्या है दोस्तों। कहीं भी अपना पर्सनल देखिए, हमारा जो घर है आप तो जानते हैं, वहाँ से हम यहाँ पे आए बस से, हर एक चीज़ की बहुत मायने होता है। बाकी हम धीरे धीरे सब वो जो भी होता है वो ज़रूर कर लेंगे, जैसे कि कभी भी आप लोग भी नया घर बनाए हैं तो उसमें कितने प्रकार से होता है, तो हम लोग तो अपना मन की शांति से और आप लोग को अपना फैमिली आदरणीय मानते हुए अपना काम कर रहे हैं। आप लोग को बदौलत सब ये और भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स द्वारा हौसला बढ़ाते हैं, जो भी कहते हैं हम वो सुनते हैं समझते हैं, और मेहनत की रही बात तो मेहनत करने से सुनील कभी नहीं घबराता है, आना कभी घबराएगा। बस आप लोग से विनती है और भगवान से प्रार्थना है कि हम स्वस्थ रहें, और उसके बाद जो भी काम मिले उसको करके अपना दो पैसा ले आके अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाए। चलिए अभी ये वाला हो गया। मशीन दोस्तों जो दिखाया था वीडियो में उसमें थोड़ा सा कमी है, उसमें भी कमी है, जो कार्बन का सीट है ना उसमें ज़्यादा स्पार्किंग कर रहा है, आग बना रहा है, चल तो रहा है उसको मैंने ज़्यादा चलाया नहीं। वो जो मशीन दिया है वहीं तो दिखा लूँगा कि शादी का, नहीं तो फिर उसमें कोई ज़्यादा कमी हो जाएगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए मेरे हिसाब से उसका आर्मेचर खराब, क्योंकि आर्मेचर ही खराब होता है तभी तो कार्बन का सीट जो होता है उसमें स्पार्किंग करता है, आग बनाता है। तो देखेंगे, वो भी 250 रुपया का शायद मिलता है, उसको भी बनवा लेंगे। तो ड्रिल मशीन और कटर मशीन, एक रह जाएगा ग्राइंडर मशीन, तो ग्राइंडर मशीन बाद में सोचेंगे खरीदने के लिए, क्योंकि जो कटर मशीन है ना उसी से अपना ग्राइंडर का भी काम हो जाएगा, उसमें बस ब्लेड चेंज करना होता है, और ड्रिल मशीन का जो बीट है अपना जो भी उसका साइज वाइज बाहर रहता था तो कंपनी लिया के देती थी, उसको बहुत हिसाब से रखता था, हर एक तरह का बीट और उसमें जो भी है रहता है, मोटा पतला जहाँ भी अपना जिस तरीके का सुराख करना हो, जैसे कटरा वाला जो बताया था उसको अलमारी को बनाने के लिए एक सिस्टर कर रही थी कि भैया उसको जल्दी बनाइए मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और वो वाला काम करेंगे धीरे धीरे, इसको भी प्लस्टर करना है। तो सिस्टर आप अगर वीडियो देखती हैं तो आपको बता दें बहुत जल्द ये काम होगा, वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारा सपनों को घर को बनाते हुए हमारे खाना बनाते हुए जो भी है शुरू से देखते देखते आप लोग जो हेल्प किए हैं दिल से धन्यवाद व्यूज के रूप में। तो हमें उम्मीद है कि हम और भी मेहनत करेंगे, ढेर सारा काम दिखाएंगे करके, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। बस हर एक वीडियो में बोले हैं लेकिन बोल बोल के थक गए, बाकी में हम लोग अभी थोड़ा परेशान है, अब भगवान जी की कृपा से ज़रूर स्वस्थ होंगे, क्योंकि हमेशा कोई परेशान रहता नहीं है, ये भगवान जी की किताब में सब स्पष्ट रूप से लिखा है। चलिए अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले काम करते हैं, नहीं तो फिर आप लोग का उधर देखिए हमारा बड़े लड़का क्या कर रहे हैं, और साफ सफाई कर रहे हैं, सूरज भगवान अभी थोड़ी सी दिख रहे हैं, उदय हो जाएंगे, इनको पता है पापा ये काम कर रहे हैं, तब तक मैं घर आंगन साफ सफाई करूँ, सब ठीक है बेटा, इसको साफ सफाई करके ना विजय आप लोग बैठ के पढ़ो, जब तक मैं
ज़्यादा देर का काम नहीं, इसको करने के बाद खाना बना। तो देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हमारा चुनाई कहाँ तक पहुँचा। इस चुनाई को अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, आप बता देना ऑटो रिक्शा पार्किंग में जल्द से जल्द ऑटो खड़ा हो, बस आशीर्वाद देना। और बाकी हम लोग कोशिश में है, मेहनत में है, एक दिन जरूर सफलता हासिल होगा, क्योंकि हिम्मत हारने वालों के लिए कहीं जगह नहीं है, और मेहनत करते रहने वालों को दुनिया भी आशीर्वाद बनाती है। और बस वो स्थिति अब बार बार नहीं कहूँगा। बाकी तो चलिए अभी इसको जुड़ाई कर लेता हूँ चुनाई, और उसके बाद चुनाई करने के बाद जो थोड़ा सा और मसाला बचेगा उसका क्या करेंगे उसको देख के आप लोग को बहुत आनंद आने वाला है। तो वीडियो में हमारे बने रहिए, जुड़े रहिए। तो चलिए अभी इसको बहुत जल्दी सूख रहा है, ठीक ना, गीला नहीं किए थे। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों काम कहां तक पहुंचा, आप बताइएगा लाइन लेवल में जुड़ा है कि नहीं। आइए देख सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर हाइट जोड़ना है तो उसको लिए भी कमेंट में बताइएगा। और थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ इसलिए कि पंपी सेट चढ़े तो आवाज़ हो सकता है आपके पास ना पहुँचे। आ इधर देख सकते हैं हमारा अभी इतना मसाला बचा है, इस मसाले के लिए हम लोग नाइट में खाना बनाने के बाद क्या काम करने वाले हैं वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग आज की कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। और चलिए दोस्तों आज की वीडियो ब्लॉग इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक तो देने की जरूरत नहीं, मैं जबकि नंबर ही दे रखा हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हमेशा खुश रहें, हम लोग स्वस्थ रहें। मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ, ऑल यूट्यूब फैमिली खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने अपने जीवन में हैप्पी रहे, अपने अपने मेहनत करते रहे और जय करते। चलिए दोस्तों आज की वीडियो ब्लॉग में एक दो तो सब अच्छा ना लगा उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगते, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।